अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं किचनर या वाटरलू रीजन में आने की और आप सोच रहे हैं कि इस सिटीज में पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी कैसी है, सो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करेगा। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी ब्लॉग। जो लोग भी मेरी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता देता हूँ, माय नेम इज प्रेम चौहान एंड आई मेक वीडियोस रिगार्डिंग स्टूडेंट लाइफ इन कनाडा। सो मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि यार जो लोग भी किचनर या वाटरलू या गल्फ कैम्ब्रिज यहाँ पे सिटीज में आ रहे हैं नज़दीक एरिया में, कि यहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज कैसी है। सो मैंने सोचा उसी के ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। सो इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगा जिससे आपको पार्ट टाइम जो जॉब की जो जर्नी है फाइंड करने की वो थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहले चालू करते हैं हम लोग वेयरहाउस जॉब्स से, कि फैक्ट्री शिफ्ट्स यहाँ पे मतलब उतनी फैक्ट्रीज अवेलेबल है या फैक्ट्री शिफ्ट्स यहाँ पे अगर एक स्टूडेंट करना चाहे तो अवेलेबल है नहीं। सो अगर आपको नहीं पता कि फैक्ट्री शिफ्ट बेसिकली क्या होता है, कि जहाँ पे भी ये मैन्युफैक्चरिंग की कोई इंडस्ट्री है या कोई भी वेयरहाउस है जैसे अमेजोन या DHL या वगैरह, सो वहाँ पे बहुत सारे वो लोग पार्ट टाइम बंदे हायर करते हैं जहाँ पे बेसिक जनरल लेबर वर्क होता है और सिर्फ सेफ्टी शूज ही रिक्वायर होता है। उसका सिर्फ इंटरव्यू होता है एजेंसी के थ्रू, आप लग सकते हैं इंटरव्यू में आपको बेसिक 2-5 मिनट अपने बारे में बताना होता है, कोई क्वालिटीज बता दी या अपना नाम वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत ही बेसिक सा कॉमन सा एक इंटरव्यू होगा और बहुत ही आसान होती है वो लेना। सो मेरे अकॉर्डिंग यार अगर मैं किचनर को कंपेयर करूँ किसी अच्छे से सिटी से जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल ब्रैम्पटन या मिसिसागा टोरंटो, सो यहाँ पे फैक्ट्रीज थोड़ी कम है उन सब के अकॉर्डिंग मतलब कंपैरिजन में देखा जाए तो। सो डेफिनेटली फैक्ट्रीज अगर कम है तो फैक्ट्री शिफ्ट भी यहाँ पे कम मिलेगी। सो मेरे जितने भी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, मेरे रूममेट जो है वो भी अमेजोन में ही वेयरहाउस में ही काम करते हैं, उनको भी ऑलमोस्ट 20 घंटे मिल ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, बट मैं कहूँगा कंपेयर टू दो सिटीज़ थोड़ा कम है यहाँ पे फैक्ट्रीज़, और फैक्ट्रीज़ कम होने की वजह से वो लोग हायरिंग नहीं चल रही होती वहाँ पे, तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कई बार जब उनको पास कहीं उनको नए बंदे नहीं चाहिए और आप अप्लाई कर रहे हो और फिर आप सोच रहे हो कि जॉब नहीं मिल रही। तो सो ये एक थोड़ा सा मैं कहूँगा डिसएडवांटेज है इस सिटी में कि यहाँ पे फैक्ट्री शिफ्ट्स थोड़ी कम है। ऑल दो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना के बराबर है, आप जाओगे तो बहुत सारे जो टोयोटा होंडा और बहुत सारे पार्ट्स बनाने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहाँ पे आपको फैक्ट्री शिफ्ट मिल सकती है। सो बट कंपैरेटिवली ये मैं कहूँगा कि लेस है। सेकेंड थिंग जो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूँगा कि बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द माई फ्रेंड्स जो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड है, वो है रेस्टोरेंट जॉब। आप जहाँ के कहीं भी रह रहे होंगे उसके आजू बाजू में अगर आप देखोगे 2-5-10 किलोमीटर में तो भर भर के आपको प्लाजा मिलेंगे वहाँ पे। हर एक प्लाजा में अगर आप देखोगे तो आपको हर एक ग्रोसरी स्टोर, गैस स्टेशन, फिर रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ा शॉप और बहुत सारी फ्रेंचाइजीज, फॉर एन एग्जाम्पल टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स, सबवे, डोमिनोज, हर एक जगह पर आपको मिलेंगे। अब हर वो सारी जगह जो ऐसे होती है कि वहाँ पे जनरली पार्ट टाइम स्टूडेंट्स ही काम कर रहे होते हैं, और ये सारी इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनको बंदे नहीं चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी ये जो चीज़ थी वो एसेंशियल में ये लोग काउंट करते हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, तो वो भी चालू था। तो ये वाला जो मैं कहूँगा एक गोल्डन ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, और रेस्टोरेंट्स जॉब यहाँ पे भर भर के अवेलेबल है। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत सीरियस हो के थोड़े टैक्टिक यूज़ करके थोड़ा स्मार्ट वर्क करके अप्लाई करना पड़ता है अच्छे से रिज्यूम बना के, बाकी उतना कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए। अगर आपके पास इंडिया का कोई एक्सपीरियंस है कुकिंग का या किसी कैफ़े में काम करने का तो वो बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है, उससे काम हो जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि उसके रेस्टोरेंट जॉब के रिगार्डिंग रिज्यूम कैसे प्रिपेयर करें तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा रिज्यूम डाल दूंगा, उसको चेकआउट करें, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी कैशियर की जॉब भी अवेलेबल है, बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर है यहाँ पे, गैस स्टेशन है वहाँ पे भी, बहुत ही इजी सा टास्क होता है सिर्फ स्टॉकिंग करना, कस्टमर को हैंडल करना, सर्व करना, कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें होती है और क्लीनिंग वगैरह देखना। उसमें तो कहीं ज़्यादा जो गैस स्टेशन होते हैं जो 24/7 है तो उसमें वहाँ पे नाइट शिफ्ट पे भी अवेलेबल हो जाती है। उसके अलावा सुपरमार्केट जैसे वॉलमार्ट, फूड बेसिक्स, फ्रेस्को, वो सारे के सारे में आप देखोगे तो आपको कोई ना कोई आपको स्टूडेंट्स मिल ही जाएंगे वहाँ पे भी, तो वो लोग भी हायरिंग करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यार ऐसा नहीं है कि ये सिटी में ये सारी चीज़ें नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिटी में है, सिर्फ आपको एक प्रॉपर वे आपका डायरेक्शन जो है उसको फोकस रख के अप्लाई करना पड़ता है।
और उसके अलावा मेरे बहुत सारे जो दोस्त है वो सिक्योरिटी भी करता है, तो सिक्योरिटी की भी यहाँ पे शिफ्ट मिल जाती है। उसके अलावा PSW में जो मेडिकल फील्ड्स है उनके लिए PSW पर्सनल सपोर्ट वर्कर, उसकी भी बहुत ही अभी हाल की डेट में बहुत ही डिमांड है यहाँ पे, और पे भी उसमें अच्छा खासा है, $17 to $18, और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। सो लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यार कि पार्ट टाइम जॉब में क्या सिनारियो होता है कई बार स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग। कई ज़्यादा स्टूडेंट की मैंटेलिटी ये सेट हो जाती है यहाँ पे कि ये सिटी में जॉब्स अवेलेबल नहीं है या इस सिटी में जॉब्स कम है। सो यार मेरा जो एक्सपीरियंस था पहले स्टार्टिंग के, मेरे को 15-20 दिन लगे थे मेरी फर्स्ट जॉब को ढूंढने में। उसके बाद मैंने दो तीन फैक्ट्री ट्राई करी, उसके अलावा दो तीन पिज़्ज़ा स्टोर में काम करा, और लास्ट में मैं पिछले एक साल से टीम होटल्स में ही हूँ, और ऑलमोस्ट मेरा कोई भी हफ्ता ऐसा नहीं रहा जिसमें मेरे को घंटे कम मिले होंगे। क्योंकि रेस्टोरेंट्स में अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, आपके मैनेजर से अच्छी बनती है, उनको पता है कि आप कितनी डेडिकेशन के साथ है, कितने अच्छे से काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको घंटे मिल ही जाएंगे। सो मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक आप चीज़ आपको समझनी है पार्ट टाइम जॉब में जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो कि यहाँ पे एक रूल ऑफ एवरेज होता है। सो अगर आप सपोज करो आपने 100 जगह पे एप्लीकेशन भरी है ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें मिला के, तो वो ऐसा नहीं है कि 100 जगह पे से आपको रिप्लाई आएगा। अगर सपोज करते हैं उसमें से 15-20 जगह से आपको रिप्लाई आएगा, क्योंकि हर एक जगह आपको रिप्लाई भी नहीं आएगा, आपकी चीज़ें देखेंगे थोड़ी बहुत, कोई चीज़ें कई बार नहीं भी देखेंगे, कई बार हायर हो चुके होंगे बंदे तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। फिर वो 15-20 में से आपका हो सकता है इंटरव्यू 6-7 जगह पे शेड्यूल होगा, कहीं पे आप अच्छे से जाओगे, मैनेजर से बात करोगे या प्रॉपर उनको मिलोगे, और उसके बाद जो ये मिलना जुलना होगा उसमें से आपको 1-2 जगह पे आप हायर होगे। सो मैं ये कहूँगा यार कि अगर आपको चांसेस अपने बढ़ाने हैं या जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, तो ये जो 100 जगह पे जो आप अप्लाई कर रहे हो वो उसका ड्यूरेशन जो है वो फटाफट करो कि एक, चलो सपोज करते हैं आपको 1 हफ्ते के अंदर जॉब चाहिए, 2 हफ्ते के अंदर जॉब चाहिए, तो आप गोल बना लो कि ये स्ट्रेटजी मैं फॉलो करूँगा। अब डायरी पेन लेके बैठ के कि यार चलो आज इस एरिया में जाएंगे, या मेरे आजू बाजू में कितने शॉप्स हैं, कितने रेस्टोरेंट्स हैं, ये ऑनलाइन चलो एप्लीकेशन वॉलमार्ट में कैसे अप्लाई करना है, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और ये सारी चीज़ें देख के सोच समझ के फिर अप्लाई करो। और अगर डिटेल में चाहिए कुछ स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो करी थी, मेरे को अपनी जॉब कैसे मिली पहली टीम होटल्स के अंदर, सो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वो वीडियो देखे उसमें भी आपको पता चल जाएगा थोड़ा बहुत कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सो दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज वीडियो। कंक्लूजन ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ है, हाँ मानता हूँ मैं फैक्ट्री सिर्फ थोड़ी कम है, बट बाकी रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कैशियर, गैस स्टेशन, PSW, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी है यहाँ पे। सिर्फ कंपटीशन थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स जब हो जाते हैं तब आपको थोड़ा बहुत आपके जो स्किल सेट है वो बढ़ाने पड़ते हैं, ताकि सामने वाले को ये लगे कि नहीं यार इस बंदे को हायर करना है, अगर वो कंपेयर कर रहे तो दो कैंडिडेट को। सो थोड़ी चीज़ें सीख के आइए स्किल्स को, बाकी जॉब अपॉर्चुनिटी सिटी में डेफिनेटली है। सो दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे फ्लैश कर रहा होगा, अगर आपका कोई भी डाउट है तो मेरे को बीजेजक DM करें। सो फिर कभी मिलते हैं ऐसे किसी व्लॉग के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।